गाइस वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इंटीजर स्टार्ट किया हुआ है, 9 to 10 पार्ट जो है उसके हम पोस्ट कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो वो डिटेल पार्ट है उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें प्रॉपर्टीज भी है, उसमें रूल्स भी है, उसमें नंबर लाइन्स भी है, उसमें इंटीजर्स का मतलब भी बताया गया है। सो वो डिटेल पार्ट है। बाकी जो ये वीडियो होने वाला है, जो सेशन होने वाला है, ये एक समराइज वीडियो है आपका इंटीजर का। ये टोटली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटीजर्स को एक पार्ट में देखना चाहते हैं, जिन्हें ओवरव्यू पता है इंटीजर्स का और वो एक बार रिवाइज करना चाहते हैं। तो ये वीडियो टोटली उन स्टूडेंट के लिए है, फोकस्ड उन स्टूडेंट के लिए है जो इंटीजर्स को एक पार्ट में देखना चाहते हैं। समराइज वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल वीडियो आपको मिले तो आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, मेरे इंटीजर्स प्ले लिस्ट में पहुंचे और वहां पर जो डिटेल पार्ट जो मैंने पोस्ट किए हुए हैं आप उन्हें स्टडी करें अगर आप इंटीजर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। और ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शॉर्ट होने वाला है और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक इंटीजर्स का ओवरव्यू मिल जाएगा इस वीडियो से। ओके, सो अगर चैनल पे आप नए हैं, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट को भी इस वीडियो का, इस सेशन का और इंटीजर जिन्हें नहीं पता है उसका बेनिफिट मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं। सो इंटीजर्स का समरी हम पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहले जो मैं डिटेल पार्ट जो मैंने अपने डाले हुए हैं पार्ट्स में, जो अपना इंटीजर्स पूरा मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें पार्ट वाइज अगर मैं चलूं तो पार्ट वन में मैंने बताया था, आप ना माइंड मत कीजिएगा क्योंकि ये क्या है ना कि इस पे मेरी जो हैंडराइटिंग है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है व्हाइट बोर्ड पे, सो आप इस चीज को माइंड मत कीजिएगा। ओके, सो पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट वन में हमने इंटीजर पढ़ा था कि इंटीजर किसे बोलते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। फिर पार्ट टू में हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब जो है मैंने पार्ट में पढ़ाया हुआ है, आपको डिटेल अगर चाहिए तो आप पार्ट्स में देख सकते हैं। बाकी आज हम समरी करने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, ठीक है ना, इंटीजर किसे कहते हैं। पहले सबसे पहले ये है कि इंटीजर से पहले जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर होता है, नेचुरल नंबर होते हैं आपके, ठीक है ना, ये जो नंबर्स हैं पहले इनके बारे में, होल नंबर क्या होते हैं उसके बाद हम इंटीजर पे आएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, अगर डीप पढ़ना है तो आप पार्ट देख लीजिए क्योंकि ये समरी वीडियो है, सो बहुत लंबा हो जाएगा अगर डीप में जाऊंगा, तो ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि जो वन से इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये ऊपर से ओवरव्यू है, आप समझिएगा इसे, है ना, कि वन से जो इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, जीरो टू इनफाइनाइट के नंबर जो होते हैं वो होल नंबर आते हैं, यानी कि वन टू इनफाइनाइट इज नेचुरल नंबर और जीरो टू इनफाइनाइट इज होल नंबर, ठीक है। सो जीरो, वन, टू, फाइव, नाइन, ये सारे नंबर जो होते हैं जीरो टू इनफाइनाइट तक के वो सब होता है होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट होते हैं आपके प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जिन नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं, लाइक आपका टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, ये सारे नंबर्स जो होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब कि जिन नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं, यानी कि जैसे वन, इसका वन है और टू है, टू जो है वन से डिवाइड होगा और खुद से टू से डिवाइड होगा, सेवन है वन से डिवाइड होगा और सेवन से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जिन नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है अपने पार्ट्स में, जो आप पार्ट्स को ज्यादा रेफर करें अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इंटीजर, ठीक है ना। सो अभी इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स, तो ये सारे जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, जो आपके नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, इन सबका जो ग्रुप होता है, इन सब नंबर्स को मिला लूं अगर मैं, इनमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा आपका, प्लस आपका होल नंबर भी आ जाएगा आपका, प्लस
आपका प्राइम नंबर भी आ जाएगा। ये जो सारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स में सारे नंबर आ जाते हैं, आपका पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो और जितने भी नंबर्स होते हैं सब इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं। सो इंटीजर्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं उन्हें इंटीजर बोला जाता है, यानी कि माइनस सेवन, माइनस नाइन, माइनस वन जीरो टू, जीरो, वन, टेन, ये जो सारे नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं इंटीजर्स, जिसमें माइनस के भी यानी कि पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं आपके और नेगेटिव नंबर भी आ जाता है और आपका जीरो भी आ जाता है, ये सारे होते हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स को मिला के जो ये ग्रुप बनता है उन्हें सबको कहते हैं इंटीजर, ठीक है ना। तो ये मतलब था आपका कि इंटीजर बोलते किसे है, सबसे पहला पार्ट ये था, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया था कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस प्लस क्या होते हैं और नंबर लाइंस पे इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका जीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव। तो नंबर लाइन पे इंटीजर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि मतलब आप जब राइट जीरो के राइट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं और जब जीरो के आप लेफ्ट साइड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो वो सब आपके कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये है इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको बोला जाए कि माइनस थ्री कहां पर स्टैंड कर रहा है, सो माइनस थ्री यहां पर स्टैंड करता है, प्लस वन यहां पर है, सो ये जीरो के राइट साइड पे आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर और जीरो के लेफ्ट साइड पे आपका नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहीं से इसी नंबर लाइन से निकल के आते हैं आपके प्लस माइनस वाले रूल कि आपका प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। तो ये कैसे निकल के आते हैं इसका डिटेल वीडियो मैंने भी इसका भी डाला हुआ है, सो आप वीडियो जो डिटेल वीडियो है उसे रेफर करें ये जानने के लिए कि प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस ये सब होते क्या है। बाकी मैं अभी बता रहा हूं उस बारे में भी, ठीक है। देखिए इसमें चार रूल होते हैं, सबसे पहला होता है आपका माइनस प्लस, फिर होता है आपका माइनस माइनस, फिर होता है आपका प्लस माइनस और फिर होता है प्लस प्लस। तो इसमें क्या होता है आपको जब आप इंटीजर के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं जब आपको इन रूल्स का यूज करना होता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि आपका अगर दो इंटीजर दिए हुए हैं एक माइनस का और एक प्लस का, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, तो उनका अगर सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर कैसे आएगा, तो माइनस प्लस माइनस करके आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस करके तो आंसर आएगा। और फिर उसमें यह बात आ जाती है कि उसमें साइन कौन सा लगेगा, आपका आंसर जो आएगा उसमें साइन कौन सा लगेगा, तो उसमें साइन वो लगता है जो जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है, जो साइन आपका बड़े नंबर के साथ होता है आंसर के साथ वही साइन आता है। और आंसर कैसा आता है आपका माइनस प्लस माइनस करने पर आपका आंसर आता है, ठीक है। तो मैं उसे इसे कुछ ऐसे लिख दूं, इसे कुछ ऐसे लिख दूं कि कैसे लिख सकते हैं सर, कैसे लिख सकते हैं कि आंसर कैसे आएगा, फोर आंसर, फोर आंसर, फोर आंसर हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा और फोर साइन, फोर साइन, साइन विथ हायर नंबर, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि आंसर आपका माइनस करके आएगा और साइन आपको कैसे लगाना पड़ेगा, जो हायर नंबर का साइन होगा वही आपका आंसर के साथ साइन आ जाएगा। ऐसे ही आज यहां पे आ जाए कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आंसर तो आपका प्लस करके आएगा, माइनस माइनस यानी कि माइनस माइनस होता क्या है, प्लस होता है, आंसर तो आपका प्लस करने के, यानी कि उन दोनों नंबर को आपको एड करना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा। बट साइन कौन सा लगाएंगे, साइन आप माइनस का लगाएंगे, साइन आप आंसर के जो साथ साइन लगाएंगे वो माइनस का लगाएंगे। तो मैं इधर एक टेबल भी बना सकता हूं, इधर मैं एक टेबल भी बना सकता हूं, कैसे, फोर आंसर, फोर साइन, फोर साइन, ठीक है।
तो माइनस प्लस आंसर के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा और साइन के लिए आपको हायर नंबर का साइन लेना पड़ेगा, हायर नंबर, हायर नंबर का साइन लेना पड़ेगा साइन के लिए और आंसर के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। सेम यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आंसर के लिए तो आपको प्लस लेना पड़ेगा और साइन यहां पे आपका माइनस ही आएगा क्योंकि दोनों नंबर मेरे माइनस के हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस अगेन माइनस होगा और साइन विद हायर नंबर, साइन विद हायर नंबर, साइन विद हायर नंबर। और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस आंसर आपका प्लस करके जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा आपका आंसर तो आपका प्लस प्लस करके आएगा और आंसर के साथ जो साइन आएगा वो भी प्लस का ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस की तो बात हो ही नहीं रही है तो आंसर भी आपका प्लस करके आ जाएगा। बात क्लियर है ये वाली, बात क्लियर है ना कि आपको ये जो इसका भी डिटेल वीडियो है, देखिए डिटेल वीडियो जो भी मैं आपको समराइज वीडियो में पढ़ा रहा हूँ उसके सारे डिटेल वीडियो मैंने डाले हुए हैं। सो आपको अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पे समझने के लिए तो आप डिटेल वीडियो को एक बार रेफर करें, बाकी बहुत मैंने अच्छे से समझाया हुआ उसमें है ना। तो ये समराइज वीडियो है सो इसे थोड़ा सा माइंड मत करना कि मैं बहुत जल्दी जल्दी इसे खत्म कर रहा हूँ, सो ये समराइज वीडियो है इसलिए, ठीक है ना। सो ये था आपका प्लस माइनस वाले रूल कि आपको जो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर के साथ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना और कैसे उनके साइन को लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था उसमें, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया था तो इसमें तीन प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, एक तो कम्यूटेटिव पढ़ाई थी, एक तो फिर एसोसिएटिव पढ़ाई थी, एसोसिएटिव पढ़ाई थी और फिर एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी, ये तीन वीडियो तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में। कैसे कैसे तीन ये क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है जो इंटीजर्स में यूज होती है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप अगर किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप ऐड कर रहे हो और ऐड करते वक्त दोनों इंटीजर का आपने क्या कर दिया कि ऑर्डर अगर चेंज कर दिया तो उनके एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक कि ए प्लस बी मैं कर रहा हूं और बी प्लस ए मैंने कर दिया, ठीक है ना। मैंने पहले ए बी को ए प्लस बी करा और जब दूसरी बार मैंने ऐड करा तो उनका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया यानी कि बी प्लस ए कर दिया। तो एग्जांपल से मैं एक बार बता देता हूं इसे कि पहले मैंने 2+5 करा, पहले मैंने 2+5 करा, फिर एक लड़के ने बोला कि नहीं भाई 2+5 मत कर, तू 5+2 कर, 5+2 कर। सो मैंने फिर उसके लिए 5+2 कर दिया तो उसने देखा कि भाई जब मैंने 2+5 करा था तब भी आंसर मेरा 7 आ रहा था और जब 5+2 करा तो तब भी आंसर 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो उसे पता चला कि भाई अगर दो इंटीजर्स को अगर मैं ऐड करता हूं और उनके अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं तो उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यही चीज जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव सेकेंड आ जाती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप ए प्लस बी प्लस सी कर लो एक जगह तो ए प्लस बी प्लस सी और एक जगह कर लो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आप पहले जो पहले पहला एडिशन करा है आपने उसमें लास्ट वाले दो को एक साथ ले लिया, लास्ट वाले दो का एक ग्रुप बना लिया और जो दूसरा एडिशन करा है उसमें पहले वाले दो को एक ग्रुप में रख लिया तो उससे क्या दिखा कि उससे भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आया। जैसे मैंने 2+7+3 कर लिया एक एडिशन में तो फिर से मेरा एक दोस्त आया वो बोलने लगा कि नहीं भाई अजीम आप 7+3 मत करो, आप एक काम करो आप 2+7 और देन उसमें 3 ऐड करो,
ठीक है मैंने उसकी बात मान ली कि भाई हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं। तो फिर जब उसने देखा कि हाँ भाई 7 + 3 = 10, 10 + 2 = 12, कि जब मैंने 7 + 3 को लिया था एक ग्रुप में जब भी मेरा 12 आंसर आ रहा था, और जब मैंने 7 + 2 को लिया था ग्रुप में तब भी मेरा आंसर 12 आ रहा था, तो उसे पता चला कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपका अगर ग्रुपिंग चेंज हो जाए, एडिशन में आपका ग्रुपिंग चेंज हो जाए, यानी कि पहले में आपने दो एंड के इंटीजर को लिया था एडिशन में ग्रुप में, और दूसरे वाले सब में आपने क्या करा कि दो पहल के जो इंटीजर है उन्हें ग्रुप में लिया था, बट आंसर पे मेरा कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इसी चीज को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था हमने लास्ट, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या कहता है कि आप 2 + 0 कर लो तो आंसर 2 ही आएगा, अगर 7 - -7 + 0 कर लो जब भी -7 आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि आप किसी भी इंटीजर में अगर 0 ऐड करते हो तो आंसर वही इंटीजर आ जाता है जिस इंटीजर में आप 0 ऐड करते हो, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी बोलता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा आपका 0, क्यों, क्योंकि आप 0 ऐड कर रहे हो ना एक इंटीजर में और आंसर वही इंटीजर आ जा रहा है जिस इंटीजर में 0 ऐड किया जा रहा है, सो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, इसका भी डिटेल पार्ट डाला हुआ है, ठीक है तो आप उसे रेफर करिए जरूर। ठीक है चलो, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट फिर हमने एक्सरसाइज करी थी, ठीक है ना, एक्सरसाइज तो मैं यहां नहीं बता सकता इसमें, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बेसिक कर रहे हैं इंटीजर का, इसमें कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं इंटीजर का, तो एक्सरसाइज का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो आपको वहीं इंटीजर के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको देखना पड़ेगा एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड और आपके प्लस माइनस रूल से रिलेटेड, नंबर लाइन के रिलेटेड सारी एक्सरसाइज कराई हुई है, आपको इंटीजर के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने जो करा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में बहुत ज्यादा नहीं देखा था हमने, हमने बस ये देखा था कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं इंटीजर्स का, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव और जो पॉजिटिव इंटीजर है उन्हें उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, उनका आंसर कैसे आता है, उनके साथ साइन कौन सा आता है, ये सब हमने क्या देखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में। चलिए ये भी इसका भी मैं बता देता हूँ आपको, इसका भी मैं ये लिख लेता हूँ कि आपका अगर एक नेगेटिव इंटीजर है इंटू एक पॉजिटिव इंटीजर है सो उसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना, और उसका साइन क्या होगा, कि उसका आंसर कैसे आएगा और उसका साइन कैसे होगा। सो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का आंसर कैसे आएगा, पहले सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मान लो कि -7 है और -2 है, ठीक है ना, +2 है, सो आंसर तो आपका इंटू करके आ जाएगा नॉर्मली, 7 × 14 आंसर तो सिंपली इंटू करके आ गया 7 × 14, साइन कैसा आ गया प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो साइन हो गया माइनस का, सो आंसर हो गया माइनस का 14, कि मतलब आपको आंसर के लिए दोनों नंबर को एड वो करना पड़ेगा इंटू, और साइन जो होगा प्लस माइनस हम जानते हैं क्या होता है माइनस, तो माइनस होता है ना, तो माइनस का ही साइन आपका किसके साथ आ जाएगा, आपके आंसर के साथ आ जाएगा, ऐसे आपका माइनस इंटीजर एंड माइनस इंटीजर इसका कैसे होगा, इसका क्या होगा, दोनों नंबर को इंटू कर देंगे, पहले तो दोनों नंबर्स को इंटू कर देंगे जो भी आंसर आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, सो प्लस का साइन आ जाएगा, सो प्लस आंसर आ जाएगा आपका इस केस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पे क्या है कि जो माइनस माइनस जब प्लस होता है तो प्लस का ही साइन आपका आंसर के साथ आ जाएगा, क्योंकि आंसर आपका दोनों नंबर्स को इंटू करने के बाद आ चुका है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में हमने ये सीखा था, फिर क्या है, फिर हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? जैसे 7 × 2 + 3, ये कोई एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कोई हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको जो 7 है, 7 जो है दोनों इंटीजर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि 7 × 2 करना पड़ेगा, 7 × 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और फिर प्लस, प्लस है ना 3 + 2, तो प्लस आंसर 7 × 3, 7 × 3, तो 7 2 के भी साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और 7 आपका 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अभी आंसर निकाल लेते हैं, 7 × 2 = 14 प्लस 7 × 3 = 21, सो 21 और ये हो गया 35, आंसर हो गया आपका 35। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत आप एडवांस स्टडी करेंगे जब आप ग्रेजुएशन अपनी करेंगे तो ये प्रॉपर्टी वहां तक भी आपको काम में लगने वाली है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप में, आपको इसमें अपना जो नंबर होता है हर एक नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उस तरह से आपको ये पूरा होता है। तो ये पूरा एक समराइज वीडियो मैंने आपको आज करवाया है, ये सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। इंटीजर का आपको बेसिक और एक ओवरव्यू इस सेशन से आपको मिलने वाला है। आपको इनका डिटेल वीडियो, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको इंटीजर्स की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे इसके सारे पार्ट्स को मैंने वन बाय वन सबको अपलोड किया हुआ है। उनका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। सो आपको अगर डिटेल पढ़ना है इंटीजर का तो आप उन पार्ट्स को रेफर करिए, बाकी अगर आपको समराइज थोड़ा समरी करना है, समअप करना है इंटीजर का, एक ओवरव्यू चाहिए ऊपर से, तो ये वीडियो आपको बहुत काम लगने वाला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सेशन, और इस सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पे, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जो इंटरेस्टिंग वीडियो है आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, आपको फाइंडिंग करने में ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना हो। सो चलिए आज खत्म करते हैं, बाकी अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।